नमस्कार मैं अभिन आकाश आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा स्पेशल शो मोस्ट यानी कोई भी हारने वाले को पसंद नहीं करता कोई भी धमकाया जाना पसंद नहीं करता फिर भी हम खड़े हैं हम धरती पर सबसे बड़ी महाशक्ति हैं हर कोई हमारे हिस्से का खा रहा है ये ठीक नहीं है अगर मैं अपना धंधा ऐसे चलाता तो खुद को बाहर कर देता अमेरिका को फिर से जीतना शुरू करना होगा आओ हम सब मिलकर अमेरिका को मजबूत बनाएं और उसे फिर से महान बनाएं इन शब्दों के साथ अकड़ते और हवा में मुट्ठियां हिलाते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने जून 2015 में दुनिया के सबसे ताकतवर कुर्सी को हासिल करने के लिए अपने शुरू किए चुनाव प्रचार को जीत के साथ समाप्त किया उस समय वे सिर्फ ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष थे एक प्रोक्टिक कुबेर जिसने मध्यम वर्गीय मकान बड़े बड़े रिसोर्ट और गोल्फ कोर्स बनाए थे और उन्होंने जो कुछ बनवाया उस पर अपना उपनाम बड़े और सुनहरे अक्षरों में अंकित करवाया लेकिन साल 2024 में जब दूसरी बार राष्ट्रपति पद की रेस में ट्रंप की दावेदारी रिपब्लिकन की तरफ से सुनिश्चित की गई तो उनके भाषणों में वही आत्मविश्वास नजर आया आज अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की जीत हो गई है जीत के बाद अपने पहले भाषण में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अब ये एक नए महत्वपूर्ण स्तर पर पहुंचने जा रहा है हम अपने देश को ठीक करने में मदद करने जा रहे हैं हमारे पास एक ऐसा देश है जिसे मदद की जरूरत है और उसे मदद की सख्त जरूरत है हम अपनी सीमाएं फिक्स करने जा रहे हैं हम सब कुछ फिक्स करने जा रहे हैं हमने इतिहास बनाया है ट्रंप ने कहा कि हमने उन बाधाओं को पार कर लिया जिनके बारे में किसी ने सोचना भी नहीं था अब यह स्पष्ट है कि हमने सबसे अविश्वसनीय राजनीतिक उपलब्धि हासिल की है और देखिए क्या हुआ भारत की ताकत को दुनिया जानती है और वर्तमान दौर में उसे अमेरिका नजरअंदाज करने की गलती तो बिल्कुल ही नहीं कर सकता अमेरिका को हर जगह पर भारत की जरूरत है लेकिन डोनाल्ड ट्रम्प को लेकर तो मामला थोड़ा अलग ही है डोनाल्ड ट्रम्प एक बार फिर से अमेरिका के राष्ट्रपति बनने वाले हैं उनका झुकाव भारत के प्रति नरेंद्र मोदी के प्रति और हिंदुओं की तरफ व कट्टरपंथियों को लेकर विचार बिल्कुल क्लियर है डोनाल्ड ट्रंप की वो नेता है जो नरेंद्र मोदी की दोस्ती को उस लेवल तक ले गए जब उन्होंने नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए अमेरिका में बड़ा कार्यक्रम करवाया खुद डोनाल्ड ट्रंप इस इवेंट में आए थे इसके बाद जब डोनाल्ड ट्रंप भारत आए तो इसी तरह के एक बड़े कार्यक्रम में शामिल हुए खालिस्तान समर्थक कनाडा के साथ खड़े अमेरिका के रूप में आएगा बदलाव डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति रहते हुए भारत और अमेरिका के रिश्ते बहुत मजबूत हुए थे बाइडन कमला हैरिस के कार्यकाल में दोस्ती तो बनी रही लेकिन टकराव भी हुआ जैसे इस वक्त कनाडा से भारत के टकराव और आतंकी पन्नू को लेकर भारत और अमेरिका के रिश्तों में टकराव दिख रहा है जबकि डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति रहते हुए भारत और अमेरिका की दोस्ती ज्यादा मजबूत नजर आई थी कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की नीतियां अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी से काफी मेल खाती है ऐसे में उम्मीद करना चाहिए कि ट्रंप के आने से भारत को कनाडा पर दबाव बनाने में मदद मिलेगी डोनाल्ड ट्रंप खुलकर पीएम मोदी से अपने अच्छे रिश्ते और दोस्ती की बात करते हैं पीएम मोदी भी डोनाल्ड ट्रंप को अपना अच्छा दोस्त बता चुके हैं

हिचक के कहते हैं पीएम मोदी भी बिना लाग लपेट के सीधे बात करते हैं इसलिए ट्रंप और मोदी की जोड़ी कनेक्टेड मानी जाती है डोनाल्ड ट्रंप के लिए भारत में माहौल इसलिए भी बना क्योंकि वो एकलौते ऐसे नेता हैं जिन्होंने चुनाव के बीच बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठाई डोनाल्ड ट्रंप ने दिवाली की शुभकामनाएं देते हुए बांग्लादेश में हिंदुओं ईसाइयों और अन्य अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के खिलाफ बड़बड़ हिंसा की कड़ी निंदा की उन्होंने कहा कि वहां पर पूरी तरह आरक्षकता की स्थिति बनी हुई है उन्होंने कहा कि मेरी निगरानी में ऐसा कभी नहीं होता कमला हैरिस और जो बाइडन ने दुनिया भर में तथा अमेरिका में हिंदुओं की अनदेखी की है जराइल से लेकर यूक्रेन और हमारे अपनी दक्षिणी सीमा तक तबाही मचा चुके हैं लेकिन हम अमेरिका को फिर से मजबूत बनाएंगे और पूरी ताकत से शांति को वापस लाएंगे आपको याद होगा कि जो बाइडेन की सरकार पर यह आरोप लगता रहा है कि उसने ही बांग्लादेश में खेल करवाया था फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर होगी चोट हैरिस खुद को भारत के ज्यादा करीब होने का दावा करती रही क्योंकि उनकी मां भारतीय हैरिस इस मामले में बेहतर रही थी लेकिन व्यापार में अमेरिकी हितों को सबसे ऊपर रखने से उन्हें गुरेज नहीं रहा वो अमेरिकी कंपनियों को सब्सिडी देने की हिमायती रही ताकि देश में मैन्युफैक्चरिंग बेस बने उन्हें इसकी परवाह नहीं की इसे मुक्त व्यापार व्यवस्था को चोट पहुंचेगी वैश्विक व्यापार के लिए डब्लू के बनाए नियमों का पक्षधर रहा यानी चुनाव जो भी जीते हमें अपने आर्थिक हितों को सुरक्षित रखने के लिए सचेत रहना पड़ेगा चीन के खिलाफ सख्त स्टैंड वाले ट्रंप अवैध एंट्री करेंगे बंद चीन के खिलाफ कठोर स्टैंड रखने वाले ट्रंप अब मैक्सिको के जरिए अमेरिका में अवैध एंट्री करने वालों पर शिकंजा कसेंगे व्यापार की बात करते तो ट्रंप कह चुके हैं कि राष्ट्रपति बनने पर वो अमेरिका में आने वाली सभी चीजों पर 10 प्रतिशत का आयात शुल्क लगाएंगे चीनी सामानों पर उन्होंने साठ टैरिफ लगाने की बात तक कही है वह चीन से मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा भी छीन लेंगे वैसे तो इस दर्जे के छीन जाने से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता लेकिन इसका संकेत यह हो सकता है कि विदेश व्यापार को लेकर इतने वर्षों में जो नीतियां बनी हैं कई उनका दौर खत्म होने को तो नहीं है वही भारत के लिहाज से देखे तो पिछले दिनों एल पर दोनों देशों ने अपने सैनिकों को पीछे हटाया है अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार बताते हैं की ट्रंप के आने के बाद सीमा सहित कई मसलों पर चीन अपनी ज्यादा दादीगिरी नहीं दिखा सकेगा इसका फायदा भारत को मिल सकता है एच वीजा और कई चुनौतियां भी ट्रंप और भारतीय प्रधानमंत्री ने हमेशा एक दूसरे के प्रति रिश्ते गर्मजोशी से भरे नजर आए उन दोनों के बीच इस खुशमिजाजी का नतीजा ये निकला कि पहली बार उनके कार्यक्रम में ही भारत ने अमेरिका के साथ रक्षा और विदेश मंत्रालय के स्तर पर टू प्लस टू डायलॉग हुआ कई मौकों पर मोदी की तारीफें करने के बावजूद ट्रंप ने भारत की प्राथमिकताओं के विरोध भी काम किए जिनमें शामिल है एच वन वीजा जीएसपी और कश्मीर विवाद में मध्यस्थता के प्रस्ताव भारत में अमेरिकी उत्पादों पर लगने वाले टैरिफ की डोनाल्ड ट्रंप आलोचना करते रहे उन्होंने भारत से स्टील और एल्यूमिनियम के आयात पर ड्यूटी लगा दी थी वैसे तो ट्रंप की जीत के चलते भारत को कई मोर्चों पर काफी सहजता होगी वहीं ट्रंप की ओर से पेश आने वाली चुनौतियां भी कम नहीं होगी तो आज हमने आपको ट्रंप की जीत और भारत के नजरिए से इसकी पूरी कहानी बताई आज के लिए इजाजत ऐसी रिपोर्ट को देखने के लिए देखते रहे प्रभा साक्षी अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके